सलमान खान ने कर डाली घोषणा, 18 नवंबर को ही करेंगे शादी। लेकिन आज हम बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान के चाहने वालों के लिए एक जोरदार खुशखबरी लेकर आए हैं, लेकिन बस उसमें एक पैच है। पिछले दो दशक से हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर बने हुए सलमान खान की शादी कब होगी, इस खबर का इंतजार उनके चाहने वाले बरसों से कर रहे हैं। सो अब उनकी तारीख जानने की ख्वाहिश सुपरस्टार ने खुद ही पूरी कर दी है, लेकिन इसमें पैच यही है कि तारीख और महीना तो सलमान खान ने बता दिया है, लेकिन साल नहीं बताया है। सालों से अपने अकेले होने और शादी के इरादों को लेकर किए जा रहे सवालों से कनी काटते रहे सलमान खान उस समय दुविधा में पड़ गए जब रविवार को भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने यही सवाल उनसे कर डाला। दरअसल सानिया मिर्जा ने यह सवाल सलमान खान से तब पूछा जब वे सानिया की आत्मकथा इस अगेंस्ट ऑड्स के विमोचन समारोह में शिरकत कर रहे थे। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सलमान खान ने कहा, हाँ 18 नवम्बर, यह 18 नवंबर कुछ 20 से 25 नवंबर से चल रहा है, लेकिन पता नहीं कौन से साल में होगा, लेकिन होगा। बताया जाता है कि पिछले कुछ समय से रोमानियन मॉडल यूलिया वंतूर के साथ डेटिंग कर रहे सलमान खान के माता पिता फिल्म लेखक सलीम खान और सलमा खान की शादी 18 नवंबर को ही हुई थी, और सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता ने भी लगभग दो साल पहले वर्ष 2014 में आयुष शर्मा से इसी दिन शादी की थी। इसके बाद सानिया मिर्जा ने समारोह की कुछ तस्वीरें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पोस्ट की और दबंग खान ने सानिया की किताब के बारे में लिखा, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से अफवाहों की परवाह नहीं करते हुए सलमान खान अपनी कथित गर्ल फ्रेंड यूलिया के साथ अक्सर दिखाई देते हैं। हाल ही में 13 जुलाई को सलमान की बहन अर्पिता द्वारा अपने मुंबई आवास में दी गई पार्टी में सलमान और यूलिया को एक साथ पहुंचते देखा गया था। उससे पहले प्रीति जिंटा की मई में दी गई रिसेप्शन पार्टी में भी दोनों एक साथ देखे गए थे, और उसके बाद सलमान की मां सलमा खान को एयरपोर्ट से बाहर लाने में मदद करती दिखाई दी थी यूलिया। इसके अलावा इसी महीने 6 जुलाई को सलमान खान की फिल्म सुल्तान की स्क्रीनिंग पर भी दोनों को एक साथ देखा गया था।